हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिक टुडे टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट गरिमा कोत्रू और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के मैच नंबर 49 के बारे में, जहां आमना सामना होने जा रहा है एमएस धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स और ओयन मॉर्गन के कोलकाता नाइट राइडर्स का। केकेआर फैंस को उनसे थोड़ी बहुत उम्मीदें बाकी हैं कि वो नेक्स्ट गेम में बाउंस बैक करेंगे, स्पेशली किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ अपनी करारी हार के बाद। और जहां तक बात रही चेन्नई की टीम की, तो वो टूर्नामेंट से तो नॉकआउट हो ही चुके हैं, तो ऐसे में अब वो बस यही कोशिश करेंगे किसी भी तरह लास्ट पोजिशन पर ना फिनिश करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मैच प्रीव्यू। और सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। धोनी की आर्मी उसी सेम स्टार्टिंग 11 के साथ जाना पसंद करेगी जिसने अपने पिछले गेम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मात दी थी। पिछले गेम में बॉलर्स ने तो अच्छे से बॉलिंग की ही थी और साथ ही बैट्समैन ने भी अपना काम बाखूबी निभाया। आने वाले गेम के लिए ये कहा जा सकता है कि चेन्नई की टीम अपनी पूरी ताकत लगा देगी कोलकाता नाइट राइडर्स को टूर्नामेंट में आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो चलिए अब चेन्नई सुपर किंग्स से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। आईपीएल 2020 में आगे जाने के लिए केकेआर के टॉप ऑर्डर को फायर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पिछले दो मैचेस में कोलकाता वालों ने अपनी विकेट्स बहुत जल्दी गवा दी थी और अब नेक्स्ट गेम में सीएसके के खिलाफ वो ये कोशिश जरूर करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो। इसके अलावा केकेआर को दिनेश कार्तिक की बैटिंग पोजीशन के बारे में भी सोचने की काफी ज्यादा जरूरत है। इस सीजन में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए कार्तिक ने अभी तक फैंस को इतना इम्प्रेस नहीं किया है और अगर उनकी बारी 10 ओवर्स के अंदर अंदर आ जाए तब तो कार्तिक अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस देने में फेल ही हुए हैं। इसी के साथ केकेआर के बॉलर्स को भी अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल इन ऑल केकेआर के लिए आने वाली गेम एक मस्ट विन मैच होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाला ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीम्स के स्पिनर्स को यहाँ काफी ज्यादा असिस्टेंस मिलेगी और साथ ही बैट्समैन भी यहाँ बड़े शॉट्स आसानी से लगा सकते हैं। T20 मैचेस में इस ग्राउंड का अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है 211 रन और वहीं लोएस्ट डिफेंडिंग स्कोर है 126 रन। अब हम डिस्कस करेंगे चेजिंग टीम्स के रिकॉर्ड्स के बारे में। T20 रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिन टीम्स ने दुबई में चेस किया है उन्होंने ज़्यादा मैचेस जीते हैं एज कम्पेयर टू द टीम्स जिन्होंने यहाँ पर पहले बैटिंग का फैसला किया है। अब जरा हम नज़र डालते हैं वेदर कंडीशंस पर। मैच के टाइम पर दुबई का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है और वही ह्यूमिडिटी लेवल 41% के साथ लो रहेगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं दोनों टीम्स के स्टार प्लेयर्स के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स के फैफ डुप्लेसी ने 10 मैचेस खेले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ और बनाए हैं 271 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 30.11 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 132.84। कोलकाता नाइट राइडर्स के इन फॉर्म बैट्समैन शुभमन गिल ने भी 10 मैचेस खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और बनाए हैं 301 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 30.10 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 116.21। अगर बात की जाए सीएसके के स्टार बॉलर के बारे में तो सैम करन ने 10 मैचेस खेले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ और चटकाई है 9 विकेट्स एट एन इकोनॉमी रेट ऑफ 8.51। और वहीं दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती ने भी 10 मैचेस खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और चटकाई है 12 विकेट्स एट एन इकोनॉमी रेट ऑफ 7.27। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। दोनों टीम्स के बीच आईपीएल में टोटल 22 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से सीएसके 13 बार तो केकेआर 8 बार जीती है और एक मुकाबले का कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब जरा नजर डालते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के प्रोबेबल 11 पर। बैटिंग डिपार्टमेंट में सीएसके के पास हैं फैब डुप्लेसी, अंबती रायडू, ऋतुराज गायकवाड, एमएस धोनी, केदार जाधव और सैम करन और रविंद्र जडेजा जैसे दो सुपरस्टार ऑलराउंडर्स।
बोलिंग डिपार्टमेंट में सीएसके के पास हैं मिचेल सैंटनर, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर और इमरान ताहिर। अब हम नजर डालते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रोबेबल 11 पर। कोलकाता नाइट राइडर्स का भी बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है। उनके पास है शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, नितिश राणा, दिनेश कार्तिक, ओयन मॉर्गन और आंद्रे रसल और सुनील नारायण जैसे दो वेटरन ऑलराउंडर्स। बोलिंग लाइनअप में केकेआर के पास हैं शिवम मावी, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी और वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों, ड्रीम 11 टीम बनाने में आपकी मदद करने के लिए हमने एक बेस्ट पॉसिबल कंबाइंड 11 टीम तैयार की और इसके लिए हमने सैम करन को कैप्टन चुना है। जहां एक तरफ बैटिंग डिपार्टमेंट के लिए हमने फैफ डुप्लेसी, ओयन मॉर्गन, एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड को चुना है, तो वहीं दूसरी तरफ सैम करन और सुनील नारायण टीम में दो ऑलराउंडर्स होंगे। बोलिंग लाइनअप की कमान संभालने के लिए हमने वरुण चक्रवर्ती, दीपक चाहर, पैट कमिंस और लॉगी फर्गुसन को चुना है। चलिए इसी के साथ अब डिस्कस कर लेते हैं रीजंस बिहाइंड द ड्रीम 11 टीम। दोस्तों, हमने आपके लिए एक डिसेंट बैटिंग लाइनअप तैयार किया और इसीलिए हमने फैफ डुप्लेसी और केकेआर के इनफॉर्म बैट्समैन शुभमन गिल को टीम में चुना है। ऋतुराज गायकवाड, जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ उमदा प्रदर्शन किया था, उन्हें भी हमने इस टीम में चांस दिया है। इसके अलावा ओयन मॉर्गन और एमएस धोनी जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर इस फैंटेसी साइड के मिडिल ऑर्डर में और ज्यादा फायर पावर ऐड करेंगे। सुनील नारायण और सैम करन टीम में दो यूटिलिटी ऑलराउंडर्स होंगे। बोलिंग डिपार्टमेंट में हमने केकेआर के सक्सेसफुल ट्रायो पैट कमिंस, लॉकी फर्गसन और वरुण चक्रवर्ती को चुना है और वहीं सीएसके के दीपक चाहर बोलिंग डिपार्टमेंट में और ज्यादा डेप्थ ऐड करते नजर आएंगे। फाइनली अब वक्त हो गया है मैच प्रिडिक्शन का। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं है, तो वो केकेआर के जीत के प्लान्स पर पानी फेर सकती है। इस मैच की लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स हैं ये। तो ये था आज का हमारा मैच प्रीव्यू। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें Twitter और Instagram पे और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। गुड बाय।